डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र सिंह चहल, साइंस मास्टर सरकारी हाई स्कूल शेरगढ़, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, आप सब का स्वागत करता हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज असी क्लास सैवनथ द चैप्टर 10 रेस्पिरेशन या सा क्रिया इस वीडियो राही समझांगे। विद्यार्थियों, पहला सवाल जिहड़ा साडे बाल मन च आउंदा है वो है वट इज़ रेस्पीरेशन या सा क्रिया की है। विद्यार्थियों, जिमें कि तुसी स्क्रीन दे विच देख रहे हो, द प्रोसैस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सैल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सैलूलर रेस्पीरेशन। भाव साढ़े शरीर दीआं कोशिकावां विच भोजन का ब्रेकडाउन हुंदा है अते ऊर्जा पैदा हुंदी है। इस क्रिया नूं असीं कहिंदे हाँ सैलूलर रेस्पीरेशन या सा क्रिया। विद्यार्थियों, सा क्रिया बेसिकली दो तरीके दी हुंदी है, जिवें कि तुसी स्क्रीन दे विच देख रहे होंगे। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, पहली टाइप है एरोबिक रेस्पिरेशन या इसनों पंजाबी ऑक्सी सा क्रिया कहने हाँ। सैकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन या जिसनों असी पंजाबी अणऑक्सी सा क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, पहला असी ऑक्सी सा क्रिया बारे जानते हाँ, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। विद्यार्थियों, एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा साड़िया सैल्स दे विच ऑक्सीजन दी प्रेजेंस दे विच होवेगी, जिस विच हुंदा की है ग्लूकोज जो ऑक्सीजन नाल मिलता है तो एक क्रिया हुंदी है जिस दे प्रोडक्ट दे रूप च कार्बन डाइऑक्साइड पानी अते ऊर्जा पैदा होती है। यह है एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एंड प्रोडक्ट के रूप कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मिलती है। हुण गल करते हाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अणऑक्सी सा क्रिया के बारे। विद्यार्थियों, जिमें कि नाम तो ही क्लीयर है अणऑक्सी, भाव यह सा क्रिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी होगी विदाउट ऑक्सीजन। विद्यार्थियों, कई बार असी वर्कआउट करते हाँ, एक्सरसाइज करते हाँ या बहुत ज़्यादा रनिंग करते हाँ, साइकिलिंग करते हाँ, उस समय साढ़े शरीर को ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत होती है, तो उदों अणऑक्सी सा क्रिया साड़ी सैल्स दे विच हुंदी है जिस विच ग्लूकोज तो लैक्टिक एसिड अते एनर्जी बनती। विद्यार्थियों, जदों तुसी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो तो तुसी गौर किया होएगा थोड़ी मसल्स दर्द करन लग जांदियां, अकड़ाहट आ जांदी उन्हां च, वो इसे लैक्टिक एसिड करके हुंदा है जो अणऑक्सी या एनएरोबिक रेस्पिरेशन दे दौरान बनता है। विद्यार्थियों, हुण अगली गल करते हाँ, असीं दो वर्ड्स सुनते हाँ रेस्पिरेशन के दौरान, एक तो है सा क्रिया तो दूसरा है सा लेना। सा क्रिया बारे असी पढ़ लिया, हुण अगली चीज़ है सा लेना या ब्रीदिंग। विद्यार्थियों, सानू पता है कि असी ऑक्सीजन गैस नू सा क्रिया दौरान शरीर के अंदर लेके जाने हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड नू असी शरीर चो बाहर निकालते हाँ। तो ऑक्सीजन नू शरीर के अंदर लेके जाना दैट इज़ कॉल्ड इनहेल, ते कार्बन डाइऑक्साइड नू शरीर चो बाहर कढ़ना दैट इज़ कॉल्ड एक्सहेल। विद्यार्थियों, गौर नाल सामने जो एनीमेशन तुहानू नज़र आ रही है उसनू देखना, ते दो हिस्सों के वल थोड़ा गौर करना। एक तो आ पहला बाहर वाला भाग जो साडे शरीर दे विच रिब्स या पसलियां हन, ते दूसरा आ वाला भाग रेड कलर दा दैट इज़ डायफ्राम, ते तीसरा शेप देखनी है साढ़े शरीर के साह प्रणाली के आ दो हिस्सों पर जिन्हों असी कहने हाँ लंग्स या फेफड़े। विद्यार्थियों, हुण जो असी एनीमेशन देखते हाँ, इनहेल ऑक्सीजन अंदर लिजाण वेले रिब्स बाहर की तरफ निकल दिया हन, ते डायफ्राम थले नूं आउंदा है, पर एक्सहेल दे समय रिब्स वापस अंदर नूं चलिया जांदियां हन, ते डायफ्राम भी उपर वल चला जाता है। इसको एक बार ध्यान नाल फिर देखो, इनहेल दे समय
रिब्स बाहर वाल निकल जांदियां हन ते डायफ्राम नीचे दी तरफ चला जांदा है तां जो लंग्स दे विच मैक्सिमम हवा भरी जा सके, ऑक्सीजन भरी जा सके। एक्सहेल दे टाइम डायफ्राम उपर वाल चला जांदा है ते रिब्स वापस अंदर नूं सुंगड़ जांदियां हन जिस नाल फेफड़ियां दे विच दी हवा या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर चो बाहर कढ दित्ती जांदी है। तो यह है ब्रीदिंग दे दो स्टैप्स, इनहेल एंड एक्सहेल। हुण विद्यार्थियों अगली गल करदे हाँ, साडी साह प्रणाली दे विच किहड़े किहड़े भाग हन, की उहनां दे नाम हन। विद्यार्थियों साडी साह प्रणाली शुरू हुंदी है नक तों या नोस, उस दे पिछे आ वाला हिस्सा नेजल कैविटी, जिस तों हुंदी होई हुण अगर असीं ऑक्सीजन अंदर लैनी है तां नक दे राहीं नेजल कैविटी तों हुंदी होई साह नली राहीं उह अगे सज्जे अते खब्बे फेफड़े तक जांदी है। आ साडी साह नली है जो अगे राइट एंड लैफ्ट दो लंग्स दे विच डिवाइड हो जांदी है। ए वाले हुण एक गल गौर करन वाली है, साह नली नक तों हुंदी होई इस रस्ते तों चलदी होई अगे दो हिस्सों दे विच राइट एंड लैफ्ट दे विच डिवाइड हो जांदी है। इन्हां दो हिस्सों नूं कहने हाँ ब्रोंकस, जो अगे ब्रांचेस दे रूप च जांदे हन ते हर ब्रांच नूं असीं कहने हाँ ब्रोंकियोल। हुण हर ब्रोंकियोल दे लास्ट ते एंड ते बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हुंदियां आ वालियां जो असीं इनसेट दे विच दिखाईआं, जिन्हां नूं असीं कहने हाँ एलवीओलाई। हुण हुंदा की है प्यारे विद्यार्थियों, असीं चाहे इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, आ साडा एक रस्ता है जिस राहीं ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग्स तक जाना है या निकलना है। हुण गल करदे हाँ इनहेल दी। नक तों असीं साह लिया, उस रस्ते तों नेजल कैविटी तों हुंदी होई हवा साह नली तों हुंदी होई दोनों ब्रोंकस राहीं राइट ते लैफ्ट लंग दे विच एंटर कर जांदी है। ये ब्रोंकस अगे कई सारियां ब्रांचेस या शाखावां दे रूप च हुंदे आ जिन्हां नूं कहिंदे आ ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकियोल लास्ट दे विच बैलून लाइक स्ट्रक्चर खुलदी है जिस नूं कहिंदे हां एलवीओलाई। तां इस तरह जिहड़ी ऑक्सीजन असीं अंदर इनहेल कीती उह साह प्रणाली तों हुंदी होई लंग्स राइट ते लैफ्ट लंग्स दे विच अल्टीमेटली लास्ट ते पहुँचती है एलवीओलाई तक। तो इसे रस्ते तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड नक राही बाहर शरीर चों कढ दित्ती जांदी है। तो यह है साडा रेस्पीरेटरी सिस्टम या साडी साह प्रणाली दे वख-वख भाग, जिहदे विच एक बार दोबारा थोनों दस दिना है, पहला हिस्सा नोज या नक, दैन नेजल कैविटी, दैन ट्रैकिया। ट्रैकिया दे अंदर हुंदी है साडी विंड पाइप या साह नली। हुण ट्रैकिया की है बेटा? ट्रैकिया जेकर तुसीं अपनी गर्दन नूं हाथ लगाओगे तो थोनों गोल गोल छल्ले इस गर्दन दे विच महसूस होणगे, एक कार्टिलेज रिंग्स हुंदियां हैं उन्हां नूं कहने असीं ट्रैकिया। इस ट्रैकिया दे विच साडी साह नली सुरक्षित रहिंदी है, उसनों कोई भी सट फेट नहीं लगती, ट्रैकिया उस तों उसकी रक्षा करती है। ये ट्रैकिया अगे दो हिस्सों डिवाइड हो जूगी, एक जाऊगा राइट लंग च एक जाऊगा लैफ्ट लंग च। आ दो लंग्स साढ़े सानू सामने नज़र आ रही है। हुण ब्रोंकस अगे ब्रांचेज़ दे विच लैफ्ट ते राइट लंग्स च डिवाइड हो जूगी, जिन्हां ब्रांचेज़ नूं असीं कहने आ ब्रोंकियोल, ते हर ब्रोंकियोल लास्ट च एक बैलून लाइक या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर च खुलदी है, दैट इज़ कॉल्ड एलवीओलाई। तां इह सी साडी साह प्रणाली। हुण विद्यार्थियों मनुखां दे विच तां इक साह प्रणाली है जिस नूं असीं समझ लिया, बट कुछ होर एनिमल्स भी हैं जिन्हां दे विच ब्रीदिंग दे लई कुछ अलग ऑर्गनस या भाग हैं, जिमें स्क्रीन दे विच तुसीं देख रहे होंगे इनसैक्ट्स, इनसैक्ट या कीड़े मकोड़े
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਰਿਕਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਅਰਥਵਰਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੰਡੋਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ ਫਰੋਗ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਜੋ ਲੰਗਸ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਲਸ ਜਾਂ ਗਲਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਇਰਿਕਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਪਾਇਰਿਕਲਸ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਾਇਰਿਕਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਇਰਿਕਲਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਾਇਰਿਕਲਸ ਪਿੱਛੇ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਲਿਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਪਾਇਰਿਕਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਾਇਰਿਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਰੀਦਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪਾਇਰਿਕਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਕੀਆ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਵਰਮ ਜਾਂ ਗੰਡੋਏ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਡੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਡੋਆ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਮੋਇਸਟ ਜਾਂ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਡੋਏ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਸਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਗ ਜਾਂ ਡੱਡੂ ਬਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੱਡੂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲੰਗਸ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਲੰਗਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਨਟੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਐਰੋ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਐਕਸੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਲੂ ਐਰੋ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਰੋਗ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਇਜ਼ ਲੰਗਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕਿਨ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫਿਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਔਰਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਸ। ਫਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਿਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਲਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 7th ਕਲਾਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ
ये चैप्टर समझ आ गया होगा। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।